हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम है, 5-6 बज गए हैं और अभी हम लोग थोड़ी सब्जियां लेके आए हैं। हम लोग वीकली एक साथ में पूरे वीक की सब्जी लेके आ जाते हैं। और ये मेरी फेवरेट मावा कचौरी है जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और ये वीकली पूरी सब्जियाँ हैं जिसमें पुदीना और धनिया वगैरह है। आज मैं पुदीने की चटनी बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने पुदीना लिया, अच्छे से वॉश कर लिया, एक प्याज बड़ा, एक टमाटर और हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और नींबू, ये सब चीज़ें ली। और अब इन सबको बस पीस लेना है और कुछ नहीं, अपनी चटनी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जो हार्ड चीज़ें हैं, जो लहसुन और अदरक जो पीसने में टाइम लगता है, वो पहले मैं डाल दे रही हूँ। और इतना सारा एक साथ में मिक्सी में आएगा नहीं, इसलिए आधा पीसूँगी और फिर जब थोड़ा स्पेस होगा तो बाकी का पुदीना उसमें डालूँगी। और अभी इसमें नमक डाल देते हैं। अभी इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और जीरा पीसा हुआ जो रहता है, भुना हुआ जीरा, वो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। इसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालोगे तो भी बहुत टेस्टी बनती है, बट मैं डाल के बना रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ये, बट अभी समर सीज़न आ रहा है तो बोलते हैं बहुत ठंडक करती है और बहुत टेस्टी रहती है, तो मैं पकौड़े बना रही हूँ तो उसके साथ मैं बनाऊँगी। और अब इसको पीस लेंगे और उसके बाद में ये इतना स्पेस हो गया तो अब इसमें पुदीना डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको भी एक बार में सारा पुदीना आएगा नहीं, तो मैं एक बार में पीस के फिर उसके बाद में बाकी का बचा हुआ पुदीना डाल दूँगी। और ये चटनी बहुत टेस्टी बनी थी और मैं और भी कभी बिना प्याज और टमाटर के भी ट्राई करके देखूंगी। जितना अपन डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हैं उतना ही पता चलता है कौन सी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बट एक बार मैं वैसे भी ट्राई करूंगी। और अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी प्याज के पकोड़े, तो उसके लिए मैंने 3-4 बड़े प्याज ले लिए और उनको ऐसे पतला पतला लंबा कट करना है। प्याज के पकौड़े में जितने ज़्यादा प्याज होते हैं उतना ही टेस्टी लगता है, तो मैंने 4 बड़े प्याज ले लिए हैं और इनको पतला पतला लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ। और एक एक प्याज को खुला खुला कर देना है। और अब इसमें मैंने डाला है बेसन, और मैं मेजरमेंट से बहुत कम चीज़ें करती हूँ, अंदाज से ही डाल रही हूँ। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालो और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ही लाल मिर्ची, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो हल्का सा लाल मिर्ची डाला है। और सिर्फ इसमें अजवाइन, बस ये इतना ही चीज़ें चाहिए रहती है और बहुत टेस्टी बनते हैं प्याज के पकौड़े। और ये मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालेंगे। और इनको बहुत ही थिक रखना है इस बैटर को, क्योंकि जितना गीला रहता है उतने ही नरम नरम पकौड़े बनते, इतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं। और बहुत तेल भी सोखते हैं वो, तो अपने को कम तेल वाले और क्रिस्पी पकौड़े चाहिए तो बहुत कम पानी डालना है, इतना हार्ड रखना है। और अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के इन पकौड़ों को तल लूँगी। तो ये बच्चे साथ साथ में गैस के हाथ लगाना और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये मैंने इतना थिक रखा है बैटर को, बिल्कुल पतला नहीं, और बहुत ज़्यादा प्याज है और बेसन बहुत कम डाला है मैंने। जितने ज़्यादा प्याज रहेंगे ना उतने ही अच्छे प्याज का वो क्रंचीनेस आएगा, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने सारे पकौड़े पूरा तेल गर्म होने के बाद में डाल दिए और ये हमारे पक गए हैं। और साइड में मैंने चावल भी रख दिए, क्योंकि इनसे पेट नहीं भरेगा और बच्चों को थोड़ा साथ में दही चावल भी खिला दूंगी, उससे फॉइल का नहीं। और ये मैं हस्बैंड के लिए थाली लेके जा रही हूँ, उनको टेस्ट करवा रही हूँ कि कैसा बना है, तो देखते हैं। यम्मी, पहले आप वो फिनिश करो फिर मैं और दूँ। हाँ ये लो, हाँ अब खा के बताओ इशिका कैसा है। और कैसा है? अच्छा है। अच्छा, यम्मी थम्स अप करके दिखा दो। और ये मैंने मेरे लिए निकाला है और ये मावा की कचौरी है, वो तो रेडीमेड है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग इशिका को अंदर ही सुलाते हैं, बट वो सुबह जल्दी उठ जाती है तो मैं बाहर सोफा पे लाके सुला देती हूँ, तो सो जाती है। यहाँ पे मैंने टेडी रखा है ताकि वो गिरे तो उसको लगे ना, उसके डर से रखा है। इशिको, ओ कुछ नहीं हुआ। और अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर।
पर इसमें मैं मटर नहीं डालूंगी क्योंकि हमको मिला नहीं, सीजन चला गया शायद इसलिए मटर नहीं मिला। तो मैं सिर्फ पनीर की सब्जी बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनती है वो। तो ये सब चीज़ें मैंने उसके लिए यूज़ की है। एक एक प्याज है, एक टमाटर और चार पांच हरी मिर्ची है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने लहसुन नहीं छीले हैं, थोड़ा सा टाइम कम था तो मैं जब भी ऐसा इंस्टेंट रहता है तो उसमें पेस्ट्री यूज़ कर लेती हूँ। घर वाला तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट कभी कभी टाइम की वजह से रेडीमेड वाला यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने कढ़ाई के अंदर हरी मिर्ची ऑयल डाला है। सबसे पहले ऑयल गर्म हो गया तो हरी मिर्ची प्याज और टमाटर डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। 90% इनको कुक होने देंगे, फिर उसके बाद में ये जब ठंडे हो जाएंगे तो उनको पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने नमक डाला 1 चम्मच, जिससे कि जल्दी पक जाए, और उसको ढक के रख देंगे। तब तक मैं यहाँ पे पनीर कट कर लेती हूँ। सबकी ग्रेवी सेम ही रहती है, इनको प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन इनको सबको पकाना रहता है, ठंडा होके पीस लेना होता है। सबकी 90% ग्रेवी यही रहती है। और अभी इसके अंदर मैं इनको पीस लूँगी, और इसमें आप चाहो तो काजू भी थोड़ा भून सकते हो और काजू भी डाल सकते हो साथ में, पर काजू से मुझे थोड़ी सब्जी मीठी लगती है और घर वाले मीठी सब्जी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं काजू नहीं डालती हूँ। और अभी उसी कढ़ाई में मैं पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, नहीं तो ऐसे कच्चे कच्चे अजीब लगते। थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाला है और उसमें मैं तो हल्का हल्का पका लूँगी इनको, थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे जैसा। फिर उसके बाद में मैं उन मसाले को पीस लूँगी जो प्याज टमाटर का, ये मैंने प्याज टमाटर जो मसाला था वो ठंडा हो गया तो उसको पीस के रख दिया है। और आज खुशी को स्कूल भी भेजना है तो उसका टिफ़िन रेडी किया है। मैं चाहती हूँ थोड़ा फ्रूट्स भी खाए तो स्कूल में टीचर के डर से वो थोड़ा खा लेगी, नहीं तो फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं बच्चे। तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स और ये मैं ग्रेप्स डाल रही हूँ, ऐसे तो घर पे बहुत कम खाती है बट शायद टिफ़िन में रहेगा तो शायद वो खा ले टीचर के डर से। तो ये उसका टिफ़िन रेडी हो गया है और अभी मैं इसको बैग में डाल दूँगी टिफ़िन को। और खुशी को रेडी कर दिया है, अभी पनीर की सब्जी पेंडिंग है बची हुई जो मैं अभी बना लेती हूँ। आधी बनाई थी बट बीच में बच्चों का काम रहता है, उनको स्कूल भेजना रहता है तो वो काम करना ज़रूरी है, उनके बस वगैरह आ जाती है। और ये पनीर पक चुके थे, अब लास्ट प्रोसेस बचा है। अब कढ़ाई के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डालेंगे, और फिर उसके बाद में ये जो जीरा डाल के और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा जीरा डाल के चेक कर लेंगे कि ऑयल पका है या नहीं। और अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको डाल देंगे इसको अच्छे से पका लेंगे धीरे गैस करके। तो ये जब हल्का सा पक जाएगा तो उसके अंदर प्याज टमाटर का पेस्ट जो है वो वाला डाल देंगे। तो ये हमारा पक गया है, तो इसके अंदर प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिया मैंने। और जब ये पक जाएगा तो उसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये तेल किनारों पे अच्छे से ना छोड़े तब तक और पकाएंगे इसको। और ये देखिए पूरा पानी सोख लिया है, पूरा तेल किनारों पे अच्छे से छोड़ने लगा है। तो अभी इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ही लाल मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि जो पनीर मटर का मसाला है मेरे पास वो डालूंगी तो उसमें भी मिर्ची रहती, तो सारे मसाले मैं बहुत थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ क्योंकि उसके अंदर मसाले रहेंगे। और हल्का सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। और कभी भी सब्जी में पानी डालना रहता है तो गरम पानी डालना चाहिए, तो उसके लिए मैंने साइड में गरम कर रही हूँ पानी को। और ये मेरा मटर पनीर का मसाला रेडीमेड वाला है, वो मैं 3 टेबल स्पून वो डाल रही हूँ और साइड में पानी गरम कर रही हूँ क्योंकि कभी भी सब्जी में बाद में ठंडा पानी डालते हैं तो इतनी टेस्टी नहीं बनती सब्जी। तो थोड़ा सा मैं पानी उधर साइड में गरम कर ले रही हूँ और गरम पानी डालूँ क्योंकि इतनी थिक ग्रेवी तो कोई खाएगा नहीं और सही भी नहीं लगती है। तो अभी ये पानी गरम हो जाएगा तो ये मसाला भी अच्छे से पक गया है। और अभी इस पानी को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जितना आपको ग्रेवी जैसी चाहिए वैसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए उसमें। तो ये मैंने हल्का हल्का सा डाल के अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसको ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये पानी में उबाल ना आए। फिर लास्ट में इसमें पनीर डाल के, ये पानी अच्छे से उबल गया है, अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और अभी इसमें पनीर ऐड कर दिया है, इसको 2-4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे
और फिर लास्ट में धनिया ऐड करके उसको बंद कर देंगे। ये हमारी सब्जी फिर रेडी हो जाएगी। अभी लास्ट प्रोसेस बचा है, बस इसके अंदर धनिया ऐड करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस दिखता है बट बहुत अच्छी बनती है सब्जी। आप रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो 200-250 रुपये लेंगे, इससे भी कम क्वांटिटी के। तो इतना मतलब डबल क्वांटिटी यहाँ पे बन जाती, 500 रुपये की सब्जी अगर घर पे बन जाती तो फिर क्या चाहिए। बहुत ही टेस्टी, और घर की सब्जी तो घर की होती है। तो अभी सब्जी बन गई है और इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे पनीर की सब्जी बन के बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। और अभी मैं दिखाती हूँ कितनी थिक बनी है। इसका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पानी अलग है, पनीर अलग है, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं शॉर्ट्स का एक वीडियो बताती हूँ आपको, मैं शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ। यार तुम क्रिकेट देखती हो? हाँ बहुत ज्यादा। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है पहले तुम बताओ? मेरा तो कोहली है। कोहली भी अच्छा है लेकिन मेरा विराट है। और खुशी और स्कूल से आ चुके हैं और इसके बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसके बाल कट कर दूँ। आंखों पे आ रहे, कब से ही सोच रही थी मैं कट करने का। खुशी देखो, दिखाती हूँ एक बार, दिखाती हूँ कैमरे में कितने बड़े हो रहे हैं बाल आपके। देखो पूरा आईज पे, ऐसे पीछे हटा लोगे तो फिर कैसे दिखेंगे। ये देखो कितना, रुको आंख में मत लगाना। खुशी हो गया। हाँ ये देखो कितने बड़े हो रहे, पूरे आंखों के अंदर आ रहे हैं ये वाले बाल। अपन आज कट कर देंगे खुशी के। आ रहे हैं ना बेटा, थोड़ी थोड़ी कट करना पड़ेगा। अच्छे लगेंगे, फिर बढ़ जाएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद है ना अच्छे से हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे आपके। और ये मैंने खुशी के बाल कट कर दिए हैं। मैं घर पे ही बाल काटती हूँ, जब से बच्चे पैदा हुए हैं तब से। मतलब एक बार गुंडू कराया था, मतलब टकला, तब मैंने शॉप पे करवाया था। एक मतलब 5 बार करवाया टकला ताकि अच्छी ग्रोथ हो, तब शॉप पे। बाकी इन दोनों बच्चों के बाल मैं खुद ही घर पे ही काट लेती हूँ, बहुत ईजीली कट जाते हैं। और जब भी मन हो जब भी काट सकते, थोड़े थोड़े दिनों में बढ़ते रहते हैं तो मैं काट लेती हूँ। ओके गाइस, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।